ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे करहल, भाजपा पर जमकर बरसे लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी के लोग किसी का भी नाम बदल सकते हैं, छोटी सरकार तो छोटी सरकार, बड़ी सरकार सुभानअल्लाह। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2024 के चुनाव के समय आने पर उठाए गए सवाल। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। अगर मुख्यमंत्री योगी ना होते, धार्मिक स्थान से ना आए होते तो मैं उनसे नहीं पूछता। मैं मुख्यमंत्री से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट मीट पर उठाए सवाल, कहा कि चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है। कन्नौज में हमने दूध का प्लांट लगाया था, बीजेपी वाले वहां पर बियर का प्लांट लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, वही दिल्ली की सरकार भी नाम बदलने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस लोक भवन का उद्घाटन नेताजी ने किया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगा दी। कैंसर इंस्टीट्यूट में बजट नहीं दिया गया, अखिलेश यादव ने कहा। गुजरात के रास्ते से गुजरातियों गुजराती तो देश पर कब्जा करने जा रहे थे, पूरे देश को गुजरात में कब्जा करने के लिए जा रहे थे। गुब्बारा फूट गया भाई, क्या समय अब इनका नजदीक आ चुका है, क्या कहेंगे अध्यक्ष? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये समय देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नाजुक है। मुझे याद है कि जिस समय बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था और वो प्राइवेट कंपनी जब डूब गई तो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा डूब गया था और उसमें आरोप लगा करके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी और तमाम तरह की जांचें हुई थी उस पैसे से जिन जिन का संबंध था। आज एसबीआई का, जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, बैंकिंग में भारत की सबसे प्रतिष्ठा वाली जगह है एसबीआई, और फिर दूसरी प्रतिष्ठित जिसमें आम आदमी ने अपना पैसा लगाया एलआईसी, अगर 70,000 करोड़ से ज़्यादा 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट, और वो भी एक जानबूझ करके लाभ पहुंचाने के लिए एक उद्योगपति के लिए, और अगर वो उद्योगपति डूबा तो क्या एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के चेयरमैन जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को डीएचएफएल में इन्वेस्ट कर दिया था, डीएचएफएल गिरने की वजह से, डूबने की वजह से वो पैसा डूबा था, उस समय अधिकारियों पर आरोप लगा करके जेल भेजा, कई साल उन्हें जेल रहना पड़ा। ये तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का मामला है। अरे कितनी हेराफेरी करोगे बीजेपी वालों, इतनी हेराफेरी के कहां तुम दुनिया में भारत को दिखाने के लिए, हमारे गरीब लोगों को दिखाने के लिए कि वो उद्योगपति नंबर दो पर, और देखो कैसे नंबर दो से किस नंबर पे पहुंच गए, और सच्चाई ये है कि पता नहीं किस नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये देश का नुकसान हो रहा है, क्या सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? अध्यक्ष जी, आज मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो मुझे बताओ? और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4-5-6-10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते, कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ 5-6 गुंडे भेज दिए, और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो एक एक साल जेल भेजते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को।
एक एक साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, दो दो साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचंद्र मानस के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, आप पढ़ दो चौपाई। तो हम क्या है, अच्छा हमें बता दो हम क्या है, शूद्र हैं कि नहीं है? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई, ए भाई इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो, नाम क्या है इनका पूरा बताइए ना। उसमें सिंह, तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम, कह दो तुम शूद्र हो, तुम जाओ। तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए, इसीलिए ना समझ मत मत दो आज के जमाने में, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ, और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। पी के लोग हैं, किसी का भी नाम बदल सकते हैं। और वो एक कहावत है कि छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। तो अरे भाई, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वही दिल्ली की सरकार काम कर रही है। नाम बदलना, आप दूसरों का काम अपना बना लेना। आप तो मैनपुरी इटावा घर के लोग हैं आप। ये एक्सप्रेसवे आप एक कोने से दूसरे कोने देख लीजिए, कहीं समाजवादी पार्टी नेताजी का नाम नहीं है। लेकिन जहां आप सुसु करने उतरोगे, बीजेपी ने वहां नाम लिख लिया अपना। जिस स्टेडियम में आज मैच खेला जा रहा है, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है, ये समाजवादियों की देन है। बीजेपी ने नाम बदल दिया उसका। इसी तरह हम शिकायत नहीं करते किसी बात को लेकर के। लोक भवन, हम तो ये कहते रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ काम करना है, उनको सम्मान देना है, तो बटेश्वर में कुछ बड़ा यूनिवर्सिटी बना दो, कॉलेज बना दो, कुछ काम कर दो। लेकिन अटल जी के नाम से वहाँ नहीं किया, समाजवादी सरकार में। और नेताजी ने जिस लोक भवन का उद्घाटन किया उसमें प्रतिमा लगा दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट में बजट नहीं दिया इन्होंने। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का, गरीबों का इलाज हो जाता कैंसर का। आप खुद पता करिए, जानकारी करिए, हर गांव में कहीं ना कहीं कोई बीमार है या कैंसर से परेशान है, महंगा इलाज नहीं करा पा रहा है। नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, बजट नहीं दे रहे हैं वहाँ, एक प्रतिमा लगा दी, अपना नाम छाप दिया। तो ये छोटी सरकार तो छोटी सरकार, बड़ी सरकार सुभान अल्लाह। देखिए, हालांकि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, एक साल पहले, दो साल पहले, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में? तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के ज़माने में तुम बैन कर रहे हो यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के ज़माने में कोई चीज़ कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर, कितने ना समझ लोग हैं ये।